Come on, fast. Sambhal. Jaldi, jaldi. Come fast. Come. Jaldi. Fast. मैडम, ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन शरद है ना, उनको आखिर गुंडे लोग क्यों मार रहे थे? नहीं जानती। आप उनकी क्या लगती हैं? अब वो मैं और वो फ्रेंड है, अब वो। ओह, जो भी है मैं समझ गया। मैं रवि जोशी हूँ, एक प्रेस रिपोर्टर। डोंट वरी मैडम, ही विल बी ऑल राइट, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू, आपने बहुत मदद की। इट्स ओके मैडम, अब मुझे जाना होगा, इस न्यूज़ को रिपोर्ट करना है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर प्रसाद सर, अभी हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस टाइकून, मिस्टर शरद। सो ये बात जब मीडिया को पता चलेगी तो पूरे देश को पता चलेगा कि यहाँ पर एडमिट है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर उन्हें संभाल कर रखा तो हमें अच्छी तरह से पब्लिसिटी मिलेगी और हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओ माय गॉड। देखो एक काम करो, तुम सब पूरे मैंगलोर सिटी के सारे ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करो। कम, लेट्स गो एंड सी द पेशेंट। ओके सर, हरी अप। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड अरेंज हो गया है। हो गया, थैंक गॉड। कौन है वो? भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया आपने। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ जो आज पूरा होने वाला है। हे भगवान, मैं एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूँगी, बस यही मेरी इच्छा है। मैं इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए अपने कॉलेज से सिलेक्ट हुई हूँ, इसलिए बैंगलोर जा रही हूँ। ये लो। हे भगवान, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तभी मैं जीत पाऊंगी। नई जगह, नए लोग, पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे साइन करूँ? ओके। हाय। हाय, वेलकम टू द फोर। थैंक यू। यू आर फ्रॉम? मैसूर। ओके। स्वाति। वन सेक। हाँ मैडम, आपके सारे फैसिलिटीज अरेंज हो गए हैं। कल से फोरम स्टार्ट होगा। ओके, आज हमारे कॉलेज में मेरिट्स मिलने वाले स्टूडेंट्स का फंक्शन है, सो यू कैन जॉइन देम। ऑडिटोरियम, गो स्ट्रेट एंड देन यू टेक अ राइट। थैंक्स। ओके, माय लेटर। बाय, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, साइलेंस प्लीज। एक्सक्यूज मी, मे आई? या प्लीज। थैंक्स। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है। आज मेरिट मिले हुए स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्री कृष्णा जी हमारे बीच आए हुए हैं, तो आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। अ हार्टी वेलकम सर। ओके, फर्स्टली द थर्ड रैंक गोज टू मिस सहाना। कांग्रेचुलेशन सहाना। बढ़िया बढ़िया। Shabas, beta. Shabas, shabas. Now, the second rank goes to Ram. Congratulations, Mr. Ram. And the first rank goes to Ek minute, sir.
द फर्स्ट रैंक गोज टू शरद. क्या हो गया है प्रिंसिपल साहब? फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट के लिए कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? आप भी ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? सर वो जो स्टूडेंट है ना, हाँ? वो थोड़ा सा मेंटल है सर. मेंटल है? ऐसे लड़के का नाम कट करके कॉलेज से निकाल देना चाहिए. सर वो सभी काम मेंटल जैसा ही करता है. बट वेरी ब्रिलियंट गाय. सर उसे हमारे कॉलेज से निकालने के लिए पिछले दो प्रिंसिपल ने कोशिश किया पर हुआ नहीं. वीआरएस ले लिया उन्होंने, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. सर 100 लोगों का टैलेंट उस अकेले के पास है. वेरी टैलेंटेड रास्कल. ऐसा है क्या? वो मेंटल ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है? अरे प्रिंसिपल साहब, आपने जैसा कहा था ये तो वैसा ही मेंटल है. एक फंक्शन में कभी इस तरह से आया जाता है क्या? इसकी तो शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है. सर जो गिर के आ रहा है ये वो नहीं है. सर ये वो नहीं है तो फिर कौन है वो महानुभव? क्यों प्रिंसिपल साहब, ये कोई पुलिस ऑफिसर है क्या? सर ये पुलिस ऑफिसर है, ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है. यहां रखना कॉमन स्टाइल है, यहां रखना सल्लू का स्टाइल है, लेकिन मुझे कोई अलग स्टाइल मारना है. हमारे प्रिंसिपल सर, इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा. मैं मेंटल हूँ, लूज हूँ, क्रैक हूँ, ऐसा वैसा. और साथ में ये भी कहा होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड हूँ. ब्रह्मा के द्वारा बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ ब्लूप्रिंट हूँ मैं. मेरी लड़कियों से जरा भी नहीं जमती. और लड़कियां पटाने वालों से मेरी और भी नहीं जमती, इसलिए मैंने उसे धोया. सुनो बेटा. बोलिए जी. अरे वो सब छोड़ो, प्राइस तो ले लो बेटा. ये लीजिए, अब दे दीजिए. क्या बात है? एक बात बताओ, फर्स्ट रैंक लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी. तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो. पर इतनी उपलब्धि के बाद भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजी बेटा. ऐसा क्या? हाँ तालियां. आप आज यहाँ पर गेस्ट हैं इसलिए ये लोग तालियां बजा रहे हैं. मुझे सहन ना कर पाने वालों के तालियों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है. बिना किसी स्वार्थ के हम कौन हैं ये ना जानते हुए भी अपने बैकग्राउंड से बेखबर होकर सिर्फ टैलेंट को ही देखकर टेरेस को उड़ा देने वाली सीटी मारकर दिल से जो तालियां बजती है ना, वो होती है असली तालियां. और ऐसी तालियां मुझे सुनाई दे रही है सर. थैंक यू. तुमने पुलिस डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? क्या मैं और पुलिस? ये किसने कहा आपसे? कोई हमसे कहे इसकी क्या जरूरत? पुलिस यूनिफॉर्म देखकर ही समझ में आ गया. वो तो मेरी मम्मी के लिए. हेलो शरद हियर. हम लड़के पानी के जैसे जो सब में मिक्स हो जाए, लड़कियां पाम के जैसे जो
छोटी सी बात में फट जाए। सुपर सच क्या है सुनो तुम सब, बोलो लहतकार तो संभालो तुम सब। अच्छा मिट्टी में मिल जाता है सब। Dana ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana 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 ka dana ka dana dana सुपर ब्रिलियंट है, मैं उनका ही ब्लूप्रिंट हूँ। मैं अनकंट्रोल करंट हूँ, उंगली से शॉक मैं दे दूँ। बॉडी पे डीओ मैं नहीं लगाता हूँ, फिर भी सब छोरियाँ पीछे है भागे क्यों। ब्रांडेड जीन्स मैं नहीं पहनता, तब भी लड़की आई लव यू कहती है क्यों। क्या मैं करूँ बोल, कंफ्यूजन है। तनक तनक तन धन्ना धन्ना तनक तनक तन धन्ना तनक तनक तन धन्ना धन्ना तनक तनक तन धन्ना तनक तनक तन धन्ना धन्ना तनक तनक तन धन्ना तनक तनक तन धन्ना धन्ना तनक तनक तन धन्ना। लड़के हैं फूल की तरह, हर वक्त वो खिलखिलाए। लड़की है सांप की तरह, जिसे काटे वो मर जाए। थोड़ा सा पी के हम टुन हो जाए, बेसुर सा फिर हम धुन बजाए। उस पर भी लड़कियां नाचे। कहती है मेरा बेटा बहुत क्यूट है। आंखों में मेरे है शोले, देखू तो जल जाओगे। कहूं मैं ये तेरी बकवास बंद कर। क्या है ये रिएक्शन यार? अरे वाह, बहुत खुश लग रही हो तुम। तुम्हारे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे हॉस्टल जैसा। वाह, गुड गुड। हाय। तब से तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे यार, वो शरद कौन है? पूरा कॉलेज उसे देखकर इतना जलता क्यों है? मधु 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 मधु, रुको, मेरी बात तो सुनो। स्वाति, अभी अभी तुम इस कॉलेज में आई हो, उस मेंटल के बारे में क्यों जानना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, दैट्स इट। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं, इरिटेटिंग कैरेक्टर है। उसे ना लड़कियों से एलर्जी है, प्यार देखा नहीं जाता। लेकिन उस दिन उसने छेड़खानी करने वाले एक लड़के को मारा था। हाँ, फिर वो क्या था? अरे यार, अच्छा है मुझे उस मेंटल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वरना मेंटल हॉस्पिटल में सीनियर मोस्ट पेशेंट हो चुकी होती मैं। ऐसा क्यों? शीतल नाम की मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, दिखने में वो बहुत सुंदर है। एक दिन उसने उस मेंटल को प्रपोज करने का सोचा। शरद, I love you. इस कान में कुछ गया है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रही थी, जरा और एक बार कहो। मेरे पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब प्लीज मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो। I love you. मेरा नंबर 10वां होगा ना? हाँ,
मेरे हिसाब से तुम्हारे पीछे घूमे हुए चार लड़के बेवड़े हो गए होंगे, तीन लड़के शौक से पागल हो गए होंगे, बाकी के दो लोग डेली दूरदर्शन में नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ क्या करने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम इन लव विद यू वेरी सीरियसली। वो सब वेस्ट कैंडिडेट्स थे। क्या बात कही है तुमने। कैंडल पूरी जलने के बाद उसकी आग भी वेस्ट है। ये लड़कियों का नया फैशन है। लड़कियों की फैशन, लड़कों का टेंशन, ज्यादा हुआ तो इमोशन, इमोशन ज्यादा हो गया तो रेड पॉइजन, इन सब से मैं रखता हूँ डिस्टेंस। शरद, प्यार करने वाले लड़कों के दिल में सिर्फ प्यार होगा तो नहीं चलेगा, हार्ट के सामने जो पॉकेट है उसमें पैसे भी होने चाहिए। आजकल तुम जैसी लड़कियां यही चाहती है ना? तुम्हारे पीछे 9 लोग पड़े थे, उनमें से किसी को भी 50 पैसे वाला चॉकलेट कभी दिलाया क्या तुमने? यू नो व्हाट, मेरे पास 50 पैसे का चेंज कभी होता ही नहीं। शाबाश। पर मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांगती थी, वो मुझे जो लाकर देते थे वो मैं ले लेती थी, यही सोच कर कि कहीं उनका दिल ना दुखे। बस इतना ही। शरद, मुझे अपने आगे पीछे क्यों घुमा रहे हो? अभी मैं क्या करूं? इस बिल्डिंग से कूद जाऊं या फिर तुम्हें नीचे धकेल दूं? शरद, जोक मार रहे हो ना? तुम लड़कियां लड़कों के ऊपर लव नाम का कीड़ा छोड़ देती हो, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने जोकर जैसे नजर आते हैं ना लड़के। हाँ, ऐसा होता है? मुझे तो ये नहीं पता था। इस ईंट से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ? लव का लफड़ा, चल यहाँ से। बाप रे, ऐसा क्यों किया उसने? किसे पता यार। अगर तू उसके बारे में ज्यादा सोचेगी ना तो तेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। उसे छोड़, दूसरे लड़कों पर लाइन मार, उसी में भलाई है। गुड नाइट। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। गुड नाइट। 406, मुझे घी नहीं दिया। 406? तू बड़ा इंस्पेक्टर है और मैं तेरी कांस्टेबल हूँ क्या? तुम्हें तो कहा था ना कि पुलिस बनने के लिए। मैंने तुम्हें झूठ मूठ का नहीं, असली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कहा था। इस तरह एक दिन भाड़े का कपड़ा पहनकर लोगों को बाहर डरा कर आने के लिए नहीं कहा था। माँ, मैंने एक दिन ऐसा कपड़ा पहन क्या लिया तो मेरा ये हाल हो गया। पूरी जिंदगी भर पहनूंगा तो मर जाऊंगा। एक हफ्ता जी भर के देख लो, उसके बाद वापस कर दूंगा। घी डालो फटाफट, चोर को पकड़ने जाना है। धीरे धीरे तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारे पापा की बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारे भी कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मजाक बना के रखा है। छह। अच्छा वो ठीक है, पिताजी कहाँ है? केबल टीवी पर आते होंगे, देख लो। श्री रामचंद्र जी की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको भी शनि का दोष लगा हुआ है, इसलिए आप हर शनिवार को शनि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना। आज मेरे पिताजी शनिश्वर भगवान को उतारने में लगे हैं। ध्यान। हाँ, दूसरा कोई काम थोड़ी है इनके पास। तुम्हारा भविष्य बनाने की बजाय दूसरों का भविष्य देखते हैं ये। देखेंगे कि इस बार ये एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा। तुम दोनों को संभालना मुझसे नहीं हो रहा है। मुझसे भी नहीं हो रहा है, इस शहर के ट्रैफिक की वजह से। ज्योतिष रत्न जी तो यहाँ है तो फिर टीवी पर कौन है? वो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आप अपने चारों ओर। उसे छोड़ो, तुम इंस्पेक्टर क्यों बने हुए हो? मैं पुलिस वाला बनूं, ये मम्मी की ख्वाहिश थी। ओहो, देखो शरद, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना। मैं ऐसा क्यों कह रहा जानते हो? मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया, ये बात तो सही है, पर प्यार किया इसलिए शादी करना जरूरी तो नहीं था। मगर अपनी माँ की बात मानकर मैंने इससे शादी कर ली, पर जैसे ही शादी की उस दिन से मेरा भविष्य बिगड़ गया। अब दुनिया वालों का भविष्य बताता फिर रहा हूँ। ओहो, लव मैरिज में ऐसा भी होता है? मुझसे शादी करने के बाद ही आपका भविष्य उज्जवल हुआ है। मजाक कर रहा हूँ कौशल्या, अभी अपने भविष्य को पोटली में डालो। मैं तुम्हारे बच्चे का भविष्य स्टडी करके आ रहा हूँ, बहुत उज्जवल है, ये पूरी दुनिया को नचाने वाला है, इस बात की गारंटी है। पापा, आपसे एक सवाल पूछूंगी, गौर से सुनना और जवाब देना। फर्स्ट रैंक लाया हूँ ये ध्यान में रख के, मेरे प्रिंसी ने इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए मुझे सिलेक्ट किया होगा क्या? अब क्या करें, हम भी फंस गए। वो कॉलेज का टॉपर है, मैनेजमेंट ने कहा उसे सिलेक्ट करना ही है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फोरम इस बार हमारे ही कॉलेज में हो रहा है। यस सर। इंटरनेशनल रेप्यूटेड सेलिब्रिटीज आएंगे इसमें। यस सर। अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी सर। समझ गए? ओके सर। हमारे रेप्यूटेशन। क्या प्रिंसिपल साहब? शश, 1 मिनट, यू कैन गो नाउ। ओके सर। क्या हुआ सर, आपने मुझे याद किया क्या? ये सब क्या है, तुमने सबके सामने मुझे इज्जत नहीं दी, और जब कोई नहीं है तो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो। तुम्हारा कैरेक्टर कभी भी समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ऐसे ही है सर, डिफरेंट। मुझे सबकी तरह रहना नहीं आता सर, सारे लोग मेरी बुराई करते रहते हैं,
लेकिन आजकल बुरे लोगों का ही जमाना चल रहा है. व्हाट डू यू से? ठीक है, माफ करो भाई, तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फोरम में सिलेक्शन हुआ है. ये लो लेटर. थैंक यू. एक मिनट, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो. मेरा नसीब खराब है इसलिए इस साल हमारे ही कॉलेज में ये फॉरम चल रहा है. अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी से रेप्यूटेटेड पर्सन आ रहे हैं. तुम्हारे हाथों को ही मैं पैर समझ रहा हूँ. कृपया करके तुम फॉरम अटेंड नहीं करना, अपने कॉलेज के इज्जत का सवाल है. ऐसा है तो सर, आपने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? मैं आखिर क्या करता, तुम कॉलेज के टॉपर जो हो, इसलिए ये फैसला करना पड़ा. देखो कैसे भी करके विड्रॉ कर लो, तुम अपने कॉलेज को बचा लो. मर्डर नहीं, सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं. डोंट वरी सर, अपने कॉलेज की इज्जत और मान का, इज्जत और मान का, उसे झुकाने से अच्छा उसे मिटाने में ही मजा आता है. मैं कंफर्म जाऊंगा. क्या है? चलो उधर बैठ. माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि यंगस्टर्स के पास जो जो नए आइडियाज हैं, उनके पास जो नए टेक्निक्स हैं, उन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है. इस प्रोग्राम में 3 राउंड्स होंगे. बेस्ट प्लान के लिए बड़ी बड़ी MNC कंपनियां वेट कर रही हैं. आपका प्रोजेक्ट किसी में भी हो सकता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एनी डिग्री. पर याद रहे, उससे देश की आर्थिक स्थिति को मदद मिलनी चाहिए. आवर फर्स्ट कैंडिडेट तेजस. Good morning, everyone. I am Tejaswi, and I am here to explain about my project plan. I am from Hubli, and this is the most complicated project what I am going to exhibit in front of you. This plan is regarding industrialization of our India, which requires crores of money for the betterment of our infrastructure of industries, which we cannot afford. Thank you very much. Candidate, Mr. Sharad. Mr. Sharad from Global College. Hey, look, he's sleeping. Shh, तुझे क्या करना है, तू चुप बैठ. Mr. Sharad, मैं सिर्फ 3 बार आपका नाम पुकारूंगा. After that, he's calling. Wake him up. पागल है क्या? उसे ऐसे ही सोने दे. आप भाई का मजा सेंग. वो बुला रहा है, तुम जगा रही हो कि नहीं? रुक जा, तू चुपचाप बैठ. तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी. मैं तो नहीं जाने वाली. ठीक है, मैं जाती हूँ. स्वाती, तुम ग्लोबल कॉलेज. अरे शरद, 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 शरद. मिस्टर शरद, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर यू. आफ्टर दैट यू विल बी एलिमिनेटेड. मिस्टर शरद फ्रॉम ग्लोबल कॉलेज, वेक अप. Present, sir. Thank God. Look at him, the crazy guy. He's crazy. वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था. अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है. ओके. मेरा नाम शरद है, वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने आकर आधा घंटा भाषण दिया. करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे. करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो किसी ने नहीं बताया. इसलिए मुझे नींद आ गई. मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ. हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत ईजी है. वो कैसे?
हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़। यही एक काम हमें सीधा करना आता है। एक एक के पास से कैसे भी करके एक एक रुपया भी लिया जाए ना, तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग, होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी बताऊंगा। वाओ, वेरी क्लेवर। कप्तान ने सुपर कुछ खास। ओके ओके ओके, सभी फैंस साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। बढ़िया था ना? क्या बढ़िया प्लान है। सिर्फ तुझे ही अच्छा लगा, बाकी किसी को नहीं। थैंक यू। That was a very good project, Mr. Sharad. Last but not the least candidate, Miss Swati. All the best. Thank you. Hi. मैं हूँ स्वाति। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। मिस्टर शरद ने जो बताया, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम उसे मैन पावर के जैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी अपने लोगों का आरोग्य सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू डू दैट, वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल एट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो दैट एनी पर्सन रिच और पुअर इज एबल टू गेट दैट फैसिलिटी एनीवेयर इन इंडिया। Okay, thank you very much. आपके results notice board पे या फिर SMS द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। Thank you once again. You all can leave now. इस वाती, उस mental को जगाने की क्या जरूरत थी? तूने अगर उसे उठाया नहीं होता ना, तो उसे forum से निकाल दिया जाता। No, मधु, ऐसा नहीं है। उसे मैंने जगाया, तभी तो पता चला उसके पास क्या ideas हैं। I think he is quite brilliant. कितना simply बता दिया ना उसने। अब समझी? अगर मैं उसे नहीं उठाती तो इतना अच्छा प्लान मिस हो जाता ना। सही कहा तूने। तूने उस पर मेहरबानी की, एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोल सकता था ना। नहीं, बट मोस्टली मैंने जो उसके लिए किया वो उसके बारे में सोच रहा होगा। शरद, शरद वेक अप। शरद, शरद वेक अप। शरद, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? अरे लव मैरिज है भाई, इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को। वो बात नहीं है पापा, जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी। साक्षात मोहिनी की तरह बेटा, उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है, अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा। आखिर वो मोहिनी जो ठहरी। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें भी? हाँ। मोहिनी? हाँ। कौन है वो लड़की? कोई नहीं, आप जाकर सो जाइए ना। जाता हूँ। हैं? सो जाऊं? मुझे सोने के लिए कह रहा है? कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उठाया ना? कई तेल लेने।
कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहां कहां ढूंढूं उसे। उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं, उसके लिए क्या थैंक यू कहना, इट्स ओके। ओ क्या बात करूं इससे। आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते 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 शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं 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 पी सकता। नहीं ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ श्योर। आपको पता है कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं, और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं नहीं बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपए भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए, पार्टी आपने दी है ना। देखिए कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। जगह साइड। थैंक्स। चलिए अब शरद, क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या? ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। मुझे लड़कियों से तकलीफ है, लेकिन प्यार से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे हैं। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजेसिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी आइसक्रीम जैसा होता है सर। यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है, और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। कप आइसक्रीम? अरे रुको रुको रुको। यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं, कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है पॉइजन कौन सा है ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। ऐसा क्यों? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना इसलिए। ये लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत है? रख लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारे जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव? और मैं? कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में आईने में आकर सताती रहती है। मतलब? मतलब मुझे तो अब तक कोई लड़की ने ऐसे सपनों में आकर सताया नहीं है। शरद कल वो कॉलेज का नाम लेकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी, हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये किस लिए? कल तुम्हें आधी रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे ऐसा तुमने मुझे बताया था, इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम ये मेरे जनक हैं, स्वाति। शरद जनक मतलब? पिताजी। नमस्कार। यही है वो जो हमारे घर में आने वाली है। सुंदर है। पापा जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। मैं बढ़ाई मार के अपना इम्प्रेशन छोड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जाइए जाइए। और सुनो बेटा इस लड़की को छोड़ना मत, समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, इसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहो, तुम कहोगी तो ये जरूर सुनेगा। सीधा ले जाकर घर में पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया? बाय अंकल। बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं कुछ नहीं। ओह नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। ए देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह ऐसा? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय, बाय। अभी अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। अगर थोड़ी देर और इसके साथ रहता ना तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती। ये लो। थैंक यू। आराम से। अब बता वो लड़की कौन है? लड़की? खिलाड़ी हो पापा, उस लड़की के बारे में जानने के लिए ही मुझे ये पिला रहे हो ना? ऐसा ही सोचो, लेकिन बताओ। अब वो डॉक्टर है पापा, जिसे भी सोते हुए देखती है जगा देती है। उस डॉक्टर ने मेरे इस बेटे को लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, जिस दिन से उसने मुझे जगाया है मैं बस ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस मेंटल के साथ तुम इतनी देर तक बात कर रही थी, मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। कम ऑन मधु, तुम में से कोई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। ही इज वेरी नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यही तुम लोगों को पागलपन लगता है। यू नो मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से इतनी सारी बातें नहीं की थी, बट यू नो इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या उससे लव हो गया है? आर यू मैड? यस यू आर मैड। तुम उस डॉक्टर से जीवन भर लव का इंजेक्शन लेते रहोगे, ऐसा मेरा दिल मुझसे कह रहा है। ऐसा क्या? इसका मतलब तुम उससे लव नहीं करती हो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कैसे पता लग गया? तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो। यू आर मैडली इन लव विद हर। तुम्हारी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था मेरा भी यही हाल था। पापा ये जो ग्लास है इसे पकड़ कर, ये लव वेस्ट होता है ऐसा आपने कहा था ना? एक बात तुम्हें बता रहा हूँ शरद, ध्यान से सुनो। जो प्यार के बारे में नहीं जानता है वही प्यार के बारे में गलत बातें करता है। जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो बहुत हैप्पीली जिंदगी बिताता है। मुझे ही देख लो,
तुम इतने हैप्पी क्यों नजर आ रहे हो भाई? बिकॉज यू आर इन लव। अभी जल्दी आप अपने रूम में जाइए वरना मेरा दूसरा रूप देखोगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चलता हूँ, तुम खुद ही नीचे चले आना, कहीं गिरना मत। डोंट फॉल, फॉल इन लव। एनीवे, तुम अगर उसे प्यार करती भी हो तो अच्छी बात है। चल नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। उस डॉक्टर से मुझे लव तो नहीं बना, ऐसे मेरे पापा पूछ रहे हैं मुझसे। फोन नंबर होता तो उससे ही पूछ लिया होता। इस कंफ्यूजन के बारे में उसी से बात करनी होगी। नो, मैं और लव, नो नो नो, नो चांस, मैं उससे प्यार ही नहीं करता। सो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर सेकेंड राउंड में सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। एंड बाय द वे, जैसा बताया था, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान को यहां अवार्ड दिया जाएगा। एंड दैट अवार्ड गोज टू मिस स्वाति। कांग्रेचुलेशंस स्वाति, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेरी गुड। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Congratulations. I'm so happy. Congratulations. Thanks. Congrats. Thank you so much. तुम्हारा presentation बहुत अच्छा। Actually वो तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। Just 5 minutes. Come fast. Bye. Hi. Bye. हाँ? वो उस दिन bye कहने का mood नहीं था ना, इसलिए अभी कह दिया। Okay. Congrats. Thanks. वो भी उस दिन कहने का mood नहीं था, इसलिए अभी कह दिया। एक्चुअली ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। आई मीन मुझे ये कैसे हो सकता है, आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने ही आपको दे दिया। नो, कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना। या पता है, एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट, सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। ए, नहीं नहीं नहीं, तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, नो नो, यू हैव टू टेक इट, लेना ही होगा, प्लीज। ए, मैंने मना किया ना। ना प्लीज। यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। हाँ, अभी आती हो क्या? 5 मिनट में आ जाना। श्योर, स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया, बचपन की आदत है तो। जाने दीजिए, जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो, कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय 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 बाय। अब ले लो नंबर, ले लो। 1 second। हाँ हाँ बोलो। 9999 00 00 ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दे। भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉफी पी की नहीं, खाना खाया की नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सब की तरह नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो। बाय बाय बाय, सी यू। हाँ।
बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, नवे स्थान पर बुध और चंद्र हैं, अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। ए, इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ, मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था, उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा। पापा हा? वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना, उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर? पापा, हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is? You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है आगे? आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना, तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा हवा नहीं निकलती है। ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं, उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है? तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि वो मेरे पीछे आई, ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। पापा, वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे, बोलूंगी आई लव यू सो मच शरद। नो स्वाति, देखो तुम्हें उससे लव मत करो कहा था, इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके। जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं करती तब तक मैं वेट करूंगा। ये बात भी सही है, प्यार की शुरुआत होती है तो दोनों प्रेमियों को दूर दूर रहना चाहिए। वीरा का मजा ही कुछ और है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? प्यार करना गलत है, प्यार का इजहार करना गलत है, प्यार में तो सब कुछ गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों गलती करने का मन कर रहा है। I love you, Swati. I love you, Sharan. कुछ हो रहा मन में, कुछ हो रहा, कुछ हो रहा मन में, कुछ हो रहा। हाँ, कुछ माया ये है। हाँ, मेरा छोटा सा दिल। हाँ, न जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्या कुमारी, अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। कुछ हो रहा मन में, कुछ हो रहा।
की आई बारी, तू तो है सुकुमारी, भूला हूँ मैं तो घर का रास्ता। क्या है ये बीमारी, कैसी है लाचारी, क्या मैं भी तेरे दिल में बसता। दिल कुछ कहने के लिए इतना डरता क्यों है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। जो भी तुम कहती हो लगता वो सभी सही है, ऐसा लगे मुझको भी हुआ प्यार। मतलब हाँ कुछ माया ये है, हाँ मेरा छोटा सा दिल, हाँ ना जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्याकुमारी, अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। ध्यान भंग किया, थोड़ा शक मुझको हो गया, क्या मैं तेरा हूँ तू मेरी। तूने ये क्या कर दिया, मुझको पूरा बदल दिया, अब मैं क्या करूँ जानू ना। हर तरफ मचा है शोर, ढूंढू मैं तुम्हें चारों ओर, एक बार देख ले मेरी ओर, देखना तू जरा मेरी बातों पे कर ले गौर, मुझसे ना तू हो ना बोर, हमारे पीछे प्यार की डोर, प्यार तो है ना। मतलब हाँ कुछ माया ये है, हाँ मेरा छोटा सा दिल, हाँ ना जाने कैसे तेरे पीछे खो गया। मैं था बाल ब्रह्मचारी, तू एक कन्याकुमारी, अपने बालों को हिलाकर ध्यान भंग वो कर गई। कुछ 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 हो रहा मन में, कुछ कुछ हो रहा, सो डियर कैंडिडेट्स, सेकेंड स्टेज में सिर्फ पांच लोगों को चुना गया है, एंड आउट ऑफ देम द बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड गोज टू मिस्टर शरद। अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। गुड, कांग्रेट्स, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना तुझसे, उसे ही अवार्ड मिलेगा। He is so intelligent. You know what happened? Hey, doctor! हाँ? मधु, वो आ रहा है, हाँ? मैं बाद में फोन करती हूँ, bye. Hi. Actually, हाँ? इस राउंड में भी अवार्ड आपको ही मिलेगा ऐसा सोचा था मैंने। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। पर मुझसे ज्यादा आपका लेक्चर अच्छा था, आई मीन प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत ही बेकार लोग हैं, फिर से साबित हो गया है। अगर मैं वहाँ पर जज होता ना तो ये अवार्ड आपको ही देता। सो लिटरली ये अवार्ड आपको ही मिलना चाहिए। ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए था, इट्स योर्स, प्लीज ले लीजिए ना। लाइफ में जीती हुई कोई भी चीज किसी को नहीं दी जाती, मगर इसमें तो एक न्याय है, एक रीजन है। बाद में नहीं नहीं कुछ नहीं, आप ले लीजिए, आप नहीं लेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। शरद, थैंक यू। गन्ना जूस पीने चले क्या? मुझे थोड़ी सर्दी हुई है। क्या सर्दी हुई है? अब बाम लगा है कि नहीं? हाँ? अब एक टैबलेट है, एक टैबलेट है। अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शरद, आई एम ओके, ओके, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ? वो ये शरद बोल दो। ऐसे टाइम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
केयर वेयर ये सब कुछ नहीं होता है, हम तो दोस्ती में ऐसा कह देते हैं, अब खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है। अरे वाह क्या पकड़ा है बॉस, अगर गलती से भी लग गया होता ना। ये देखो हीरो अपने को धमकी दे रहा है। इसे लग गया तो तू क्या करेगा? क्या करेगा हा? क्या करेगा बोलना। तू क्या करेगा, हमसे लड़ेगा? बोल तो तुझे भी एक तलवार दे देता हूँ। मैंने आज तक कभी तलवार नहीं पकड़ी, अगर तलवार पकड़ ली ना तो तुम लोगों में से हर आदमी बेकार हो जाएगा। जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में धूल चली जाए या उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, सिर्फ इतना ही नहीं, पैदा करने वाला बाप ही अगर उसे मारे तो मैं नहीं सहूंगा। ऐसे में तूने उस लड़की का खून बहाया। शरद, तेरी इतनी हिम्मत? शरद उसे जाने दो। यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। ये क्या है, इतना खून निकल रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और आप वहाँ खड़े खड़े फाइट देख रही नहीं, थी वो डॉक्टर की दी हुई दवा टाइम टाइम पर लेते रहना डॉक्टर, और टाइम टाइम पे नहीं ली। ओके। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, भूल जाती हूँ बार बार, सॉरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे तुमने मुझे अपनी लटों को सवाने से मना क्यों कर रखा है? आप इस तरह बालों को ठीक करती रहोगी तो मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहेगी। ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, बाय। शरद। हाँ? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा क्या, ये तो मेरे लिए नई बात है, ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बताऊंगी, बाय। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा फट से जाके बोल दूंगी आई लव यू शरद रियली। नहीं हो रहा है पापा, पापा आपकी सुनता रहूंगा तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, कल ही बता देता हूँ। सुबह कब होगी पता नहीं। Mm-hmm.
देकर कहना है क्या? नहीं नहीं, अपने ही स्टाइल में प्रपोज करते हैं। आपका प्रोजेक्ट हमने सुना, उसे सुन के हमें बहुत सारे आइडियाज आए। किसी दिन आप आकर हमें अगर मिल सकती हैं तो बहुत अच्छा, हम इस बारे में और डिस्कशन कर पाएंगे। See if you can take out some time for a meeting. Don't mind, ये जगह मेरे लिए नहीं है, so आपसे यहाँ खड़े होकर बात करना थोड़ा। See you decide the place and I'll be there. Just tell me. Sure. See you soon. See you. Bye. Take care. Take care. Yes. अरे ओ भाई साहब, जरा इधर आना। क्या हुआ? इतना हंसते हुए उसके साथ बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी? तुमसे मतलब? ऐसा क्या? मार क्यों रहे हो? मेरा और उसका कुछ चल रहा है, ये सबको पता है। मैं उसके प्यार में घायल हो गया हूँ और तू अपने स्टिचेस बंधवाएगा? समझने की कोशिश कर यार प्लीज। वो खुद ही आके मुझसे बात कर रही है, तुम उसे समझाओ ना। अब तो पता चल गया ना, अब वो आएगी तो तू उससे 100 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल। ठीक है। चल। लोगों को अक्कल नहीं है क्या? दो लवर्स के बीच में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। मूड खराब हो गया। शरद आज क्यों नहीं आया? क्या करूं? फोन करूं क्या? मैं क्यों करूं उसे? ओ स्वाति। हाँ? तुम्हारा मजनू मेंटल है ये बात साबित हो गई है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ संदीप से मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, वो कुछ कह रहा था, मैं कुछ सुन रही थी। तो ये बात है, तुम्हें उसके साथ बात करते देख उस मेंटल ने संदीप को बहुत मारा। हाँ? अरे इतना ही नहीं, उसे वार्निंग भी दे रखी है कि तुमसे 100 मीटर की दूरी बनाए रखे। बेचारा, संदीप ने मुझे खुद बताया। ऐसा क्या? हाँ स्वाति, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, बेहतर है उससे प्यार मत करो। अभी तुम पर इतना शक कर रहा है तो मैं आगे और कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही समझ जाओ। मैं तो फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, पर तुम अपने टैलेंट के दम पर सिलेक्ट हुई हो। स्वाति, पहले अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, ये सब तो चलता रहेगा। नहीं मधु, पर स्वाति अभी तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। शरद, ऐसा क्यों किया तुमने? एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सारे लोग एरोप्लेन में जाने वाले यात्री थोड़े ना होते हैं। वो लड़का उसके साथ बात कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन अच्छा है, उसे दो लाफा बचाया, वो अच्छा ही किया। फ्यूचर में उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो भूल जाएगा। ओहो, उस लड़की के पीछे पड़कर फोरम का मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, फाइनल राउंड सर पर है। हेलो स्वाति, का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हुआ? स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, वो पेशेंट का। फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर। थैंक यू स्वाति, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ। शरद, 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 मैं तो बस रॉन्ग विद यू। शरद, मैंने क्या कहा था तुझे? वो शरद, शरद, उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल, कहा था कि नहीं? शरद, एक बार बोला तो समझ में आता क्या? जिसे इसके करीब आया तू, गलत लग रहा है। अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। शरद, स्टॉप इट। शरद, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने, क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। यू आर एक्टिंग लाइक अ सैवेज, जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। Stop it! शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। बिकॉज यू आर बिहेविंग लाइक अ बीट रे। मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है तू। इसके लिए तूने मुझे लाइफ में, मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें, उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया।
तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। ये जिंदगी रूठ गई, छूट गई हाथों से ये जिंदगी, हाँ रूठ गई अब छूट गई मेरे हाथों से। बदला है वक्त, बदला हूँ मैं, कोई रोके ना मुझे। बदली है दुनिया, बदला है इंसान, रोको ना अब मुझे। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद ना आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद ना आए ये दुआ। चुका हूँ मैं कैसी लगती थी तू, तूने किया है धोखा, धोखेबाज है तू। अच्छा हुआ है मुझसे तू चली गई है दूर, इस प्यार से अब मुझको हो गई है अब तो नफरत। तू याद ना आए मुझको, ए रब दे मुझको हिम्मत। ए जान ले मान ले हाँ बेवफा है तू। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, फिर याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, फिर याद न आए ये दुआ मैं करूं। ग्लोबल लीडर बने हुए आज के सबसे बड़े यूथ आइकॉन भारत मूल के मिस्टर शरद, दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा में रहते हैं वो। बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या देश की उन्नति की बात हो, वो सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ 20th को मेरी शादी है, बिल्कुल मिस मत करना। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। पक्का आऊंगी मधु, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। थैंक यू स्वाति। स्वाति, उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नए जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है, उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। स्वाति बाय।
हेलो हेलो शरद, कैसे हो बेटा? फाइन, लेकिन लेकिन क्या? बोलो बेटा, क्या बात हुई? पापा, मैं स्वाति के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसे सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हो गया था मैं पापा। पापा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था पापा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की पापा, बहुत बड़ी गलती की पापा। अब जो हुआ सो हुआ, वो सब भूल कर इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ नई जिंदगी शुरू करो। नहीं होगा पापा, फर्स्ट लव है ना, उसे भूलना मुश्किल है पापा। तुझसे जो की नफरत वो मेरी थी गलती, उसकी तो मैं करूंगा प्रायश्चित। माफ तो करेगी ये मुझको है यकीन, आऊंगा तेरे पास हाथ में जोड़ के। अब ऐसे रहा न जाए, ये दर्द सहा न जाए, तेरे जाने के बाद मुझको तेरी याद आती है। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। जिंदगी रूठ गई छूट गई हाथों से, ये जिंदगी हार उठ गई अब छूट गई मेरे हाथों से। I'll inform this to the boss. Excuse me, sir. Yeah? Sorry, sir. The meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month. Oh, really? Day after tomorrow. That's something... Then today's 15th March. Yes, sir. Oh. Aaj Swati ka birthday hai. Wish karun kya? हेलो हेलो कौन? शरद। कौन शरद? शरद कहो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वाति। थैंक यू। कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर चिंता पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। आई लव यू स्वाति। से तुम पर हाथ उठाया तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। I really love you. मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन I just can't live without you. I love you स्वाति, I love you. हेलो हेलो शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह, ओके। शरद, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। I love you.
ये पढ़ा क्या? मैंगलोर के किसी बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारा यार। ये क्या भाई, शाम को बेचने वाला पेपर सुबह ही बेच रहे हो? प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारने की कोशिश की, ये तो बहुत बुरा हुआ। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शरद को किसी ने मारने की कोशिश की। क्या खबर, क्या है? चुपना। उद्योगपति शरद को इसी हॉस्पिटल में। अभी अभी हमें खबर मिली है कि प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर बिजनेसमैन शरद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो मैंगलोर से अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। ये हमला उन पर किसने किया है इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। शरद जी को मैंगलोर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारे पत्रकार रवि जोशी जी इस वक्त वहीं हैं और वो वहां के हालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रवि जोशी जी से संपर्क करने की कोशिश की है जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रवि जी, हमें ये बताइए कि जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां के हालात। अरे क्या हुआ मैम, थोड़ा चक्कर आ रहा है। वेरी वीक, आप आ जाइए, चलिए रेस्ट कीजिए। नो नो, आई एम फाइन, आई नीड टू टेक केयर। उनके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। ओके, आप आइए मेरे साथ। आप खुद भी डॉक्टर है, अगर अपने हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए, डोंट वरी अबाउट हिम। सिस्टर ग्लूकोज रेडी कीजिए। ओके सर। आइए आइए। डॉक्टर, उसे किसी भी वक्त होश आ सकता है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज प्लीज डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, बिजनेसमैन शरद को जान से मारने की कोशिश, मैंगलोर से अपने दोस्त की शादी में लौटते समय ये घटना घटी, उनकी पत्नी उन्हें, स्वाति, स्वाति मुझसे शादी करना चाहती है। सिस्टर, स्वाति। सर, वो आपको ब्लड देकर पूरी रात जगी है, उन्हें नींद आ रही है, अभी वो रेस्ट कर रही है। मुझे अभी उसे मिलना है। इस हालत में आप नहीं मिल सकते सर। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शरद, लिसन टू मी, आप इस तरह से नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सर, मुझे स्वाति को देखना है, प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वाति को देखना चाहता हूँ। ओके ओके, काम डाउन, काम डाउन, स्ट्रेन मत कीजिए। शी इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट, डोंट वरी, देयर शी इज। मिस्टर शरद, वेट अ मिनट, स्ट्रेन मत कीजिए आप प्लीज। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, आई अश्योर यू। आप लोग चाहिए, आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन, आई एम फाइन। और हाँ सर, बाहर मीडिया भी वेट कर रही है। प्लीज सर, सॉरी सर, डोंट बी टू लॉन्ग, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए सब लोग बाहर चलिए। स्वाति, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, प्लीज। मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। मां, मैं जल्द से जल्द इंडिया आ रहा हूं। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शरद भारत आए हुए हैं। अचानक से उनका यहाँ आना सबके लिए कुतूहल का विषय बन चुका है। सर, अचानक आपने भारत आने का प्लान क्यों बनाया? मैं किसी पर्सनल काम से इंडिया आया हूँ। जो भी सवाल पूछने हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। Thank you.
वेलकम शरद। एक मिनट रुको बेटा, जीते रहो। पापा 100 साल जियो बेटा। अभी तक नहीं बुलाई है। चलो मम्मी। हाँ हाँ स्माइल प्लीज। और लाइफ में क्या चल रहा है? बीपी शुगर सब कंट्रोल में है ना? अच्छा माँ, पापा को ऑयली फूड ज्यादा मत देना। दोनों अपना ख्याल रखना, दोनों की अभी उम्र बढ़ रही है इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को ऑयली फूड कम देने से उनका बीपी शुगर कम नहीं होगा बेटा? ऐसा क्या? क्यों पापा, मैं जब बाहर था तब कोई नई आंटी के साथ सेटिंग कर ली क्या? दरअसल ग्रहों का चक्कर। शरद मजाक मत करो, तुमने इतना नाम और पैसा कमा लिया लेकिन बताओ उसका क्या फायदा? अभी भी उस स्वाति को अपने दिल में रख कर तुम उससे कितना प्यार करते हो क्या हमें ये नहीं पता? मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुनो, तुम प्लीज शादी कर लो, हम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी को 2 बार माइल्ड हार्ट अटैक भी आ चुका है। कौशल्या, आप चुप रहो, दिल में दुख छुपाकर मुंह पे मुस्कुराहट मत लाइए। तू ही जरा सोच, हम दोनों और कितने दिन हैं? देखो शरद, 2 सालों के बाद तुम्हें इस तरह करीब से देख रहे हैं, हमें अभी भी लगता है जैसे तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता कि अब तुम वो नहीं रहे, तुम काफी बदल चुके हो। बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है, तुम्हारी तरह अब स्वाति भी बदल चुकी होगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अपनी माँ की बात सुनो, इसी में हम सबके भविष्य की भलाई है। पापा, मैं उसे एक बात और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए या अपने लिए बहू की इच्छा नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता बने, बस इसलिए बहू चाहते हैं। अपनी माँ की बात मानो और शादी के लिए हाँ बोल दो। ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है जी। कौशल्या, तुम्हारा क्या दुख है मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ठीक है माँ, आप जिस किसी लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, देख लेना। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो शरद, मंगल आरती तो लेकर जा, सब ठीक हो जाएगा, आराम से संभल कर जाना बेटा। पापा कहाँ हैं? वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, बाय रोड जाऊंगा। सर सिक्योरिटी? नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा। अरेंज कर दिया है सर। बोला ना मैंने, इट्स ओके। ओके सर। मम्मी बाय। पापा चलता हूँ। सावधानी से जाना बेटा। ले ले ले। यह है विविध भारती। विविध भारती गांव के एक डॉक्टर ने 500 लोगों का फ्री इलाज किया। अरे बढ़िया। दूसरी तरफ बस वाले और ऑटो वालों ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बस वाले और ऑटो वालों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। अपने देश के लोग हमेशा तड़पते रह जाते हैं और अपनी ये सरकार कब सुधरेगी क्या पता। छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। एक 40 है, आज जलसा होगा जलसा। इस बात को इतना आसान समझ रखा है क्या? इस देश की लड़की है,
यहाँ मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो कोई नहीं छोड़ता, और तुम तो सरेआम एक लड़की को छू रहे हो, इतनी हिम्मत? हमारे देश के लोग ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहां जहां तेरा सामान गिरा है उसे उठा के यहां से दफा हो जा। चल चल। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो लव शुरू होते ही लड़का लड़की का बॉडीगार्ड बन जाता है। बस क्रेजी स्टार की तरह क्रेजी होकर सिर्फ प्यार नहीं करना चाहिए, कराटे किंग की तरह कराटे भी सीख लेना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द फाइट इज, जितने जोश से लव किया है उतने जोश से कराटे भी सीख लो। ओके सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो सच में लकी होगी सर। जाओ आप लोग यहाँ। थैंक यू सर। उसकी लवर को मैंने गुंडों से बचाया, तो मेरी लवर की याद दिला के उसने मेरे हार्ट पर लाठी चार्ज कर दिया। नो नो, मेरे दोस्त की शादी में जाने तक मैं स्वाति को भूल जाने की कोशिश करूंगा। यस। ये बस की हड़ताल आज ही होती थी क्या? एक तो आज बारिश भी बहुत तेज है, हमारा नसीब ही खराब है। अरे कोई कार आ रही, रोको रोको बेटा, रोको रोको बेटा। अरे गाड़ी रुक गई है, जल्दी चलो बेटा। हाँ। जरा आपने गाड़ी की डिक्की खोलना, लगेज रखना है। दादी हो गया? अरे क्या हुआ बेटा, लिफ्ट देने के बाद भी गाड़ी क्यों रोक कर रखी है तूने? मेरी पोती की शादी है, मुझे वहाँ अर्जेंट पहुँचना है बेटा। बाराती हमारा इंतजार कर रहे हैं और मंगलसूत्र भी मेरे पास ही है बेटा, इसे बाद में घूर लेना तू। भगाओ बेटा भगाओ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे? हाँ। कहाँ देखा है? सीरियल में एक्टिंग करते हो क्या? हाँ हाँ, पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आजकल तुम टीवी पर नहीं दिख रहे। क्या हुआ बेटा? गाड़ी को इतना धीमे क्यों चला रहे हो? एकदम स्पीड से भगाओ ना, मेरे पास एक खाने की चीज है, उसे खाएगा ना तो स्पीड 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 से भगाएगा। तू क्या? नहीं, आप सब लोग
कहाँ जा रहे हो? अरे हम सब नहीं बेटा, हम जो तीन लोग है ना वो गांव जा रहे हैं और ये बेटी मैंगलोर जा रही है। ओ, मैं भी तो मैंगलोर ही जा रहा हूँ। आपको गांव में छोड़कर मैंगलोर चला जाऊंगा। आहा, हे दुर्गा माँ, इतनी बारिश में बस की स्ट्राइक में आपने हमको बचा लिया माँ, इसलिए आपको कोटि कोटि नमस्कार। अच्छा बेटा तू अकेले क्यों जा रहा है? क्या कर सकता हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ। ऐसा क्या? देखो बेटा तुम जल्दी से शादी कर लो, अकेले सफर करना अच्छा नहीं है। देखो तुम्हें ये साथी मिल गई, दोनों साथ में रहेंगे तो सफर मजेदार हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पतिदेव मुझे टू व्हीलर के पीछे बिठाकर अटर अटर करके घुमाते थे, तब मुझे इतनी खुशी मिलती थी बेटा। बारिश रुक गई है, आप भी रुक जाइए ना दादी, खामोश रहिए ना जरा। अरे 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 मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे 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 हमारा गांव आ गया, रोको बेटा गाड़ी रोको। ओके, ओके, ओके। अरे रोको बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ। चंपा चमेली जल्दी उतरो। दादी दादी ये मंगलूर जाने वाली थी ना। अरे अब इस बिटिया को क्या हो गया? अरे बेटी तुम यहीं पर क्यों उतर गई? तुम्हें मैंगलोर तक ये बेटा छोड़ देगा ना? नहीं दादी मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत। अरे अरे बेटी अकेली हो तुम, अकेली कैसे जा सकती हो? लड़का दिखने में भी अच्छा है, कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की ना तो सीधा शादी करने को कहना, अगर नहीं माना ना तो पुलिस स्टेशन जाकर केस करूंगी ऐसा कहना। ये तो अगर तुम ऐसा कहोगी ना तो वो बहुत डर जाएगा और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। तेरे लिए अच्छा ही होगा ना बेटी। ओ, नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं सुनूंगी ना, नहीं सुनूंगी। बस कभी स्ट्राइक चल रहा है आज, उनके मुंह में कीड़े पड़े, तू चल मेरे साथ बेटी। मैं कह रही हूँ आ ना बेटी, तू आराम से इसके साथ बेंगलोर तक पहुँच जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ए कांच को नीचे करो। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा हमारी बच्ची को पूरी सेफ्टी के साथ मैंगलोर तक पहुंचा देना। अगर तूने ऐसा या वैसा सोचने की गलती भी की ना तो बिटिया कराटे करना जानती है, सावधान रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ। लगता है बात ही नहीं करेगी, रेडियो सुनता हूँ। उस जंगल में है कोकली, मैं प्यार में हुआ कोकली, उस रेडियो ऑफ कर दो प्लीज। रहने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है। ओके तू लड़कों का हार्ट और कुत्तों की पूंछ दोनों सेम ही होते हैं, कितना भी सीधा करने की कोशिश करो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पता नहीं मर्दों का दिल भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगी कुछ देर पहले मैंने क्या सोचा था, यही कि तुमको कम्प्लीटली भूल जाऊंगा और देखो तुम मेरे सामने आ गई। तुम जल्दी से शादी कर लो। अबे क्या कह रहा है? कैसी हो डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट कैसी रही? किसकी एंगेजमेंट? तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी ना। मुझे अर्जेंटली मैंगलोर पहुंचना है तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुको ए, रुको डॉक्टर, एंगेजमेंट के बाद पर ये शॉक क्यों हो गई? एंगेजमेंट कैंसिल हुई या फिर एंगेजमेंट हुई नहीं है? रुकिए डॉक्टर, अरे डॉक्टर लगेज तो ले लो। हाँ? लगता है याद नहीं था। डिक्की ओपन कीजिए। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? डिक्की ओपन कीजिए। ओके कूल कूल। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? देखो ये सब बातें मुझे नहीं करनी है, मैं किसी भी तरह मैंगलोर चली जाऊंगी, तुम अपना रास्ता नापो। जा तो सकता हूँ लेकिन इस तरह तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। हाँ? क्या कह रहे हो? देखो डॉक्टर साहिबा आज स्ट्राइक चल रही है, कोई भी बस नहीं आएगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी मैंगलोर ही जा रहा हूँ तो चलो मेरे साथ ना। प्लीज शरद, जस्ट बिकॉज मैं मैंगलोर जा रही हूँ तो तुम भी मैंगलोर का प्लान मत बनाओ, तुम जाओ अपना काम करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यही तो चाहिए था मुझे, बस एक मिनट रुको।
किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, नई नई लड़की से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे भाव नहीं देना चाहिए और पुरानी जान पहचान वाली लड़की की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ये देखो मेरा इनविटेशन, मैं मेरे दोस्त की शादी के लिए मैंगलोर जा रहा हूँ। तुम भी शादी में जा रहे हो? या मधु ने तुम्हें कैसे इनवाइट कर दिया? उसे तो क्या कहा मधु? हाँ। कौन मधु? मैं मेरे फ्रेंड नारायण की शादी में जा रहा हूँ। नारायण, मधु, ओह माय गॉड, मैं भी उसी शादी में जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहा है तू? जिसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वही सामने आ गई। बस ट्राई करके बस मिस करवा दी, हम दोनों को एक ही शादी में भेज रहा है। ये सब देखकर लग रहा है कि हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी, सही है ना? हाँ, व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। ओए, अब चलो, तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता, चलो। ओके, चलती हूँ, लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे, डन? कोशिश करूंगा। ओके। एंगेजमेंट, मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो, उसके बाद तुम महारानी की तरह पीछे बैठ जाओ और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठ जाऊंगा, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहेंगे। गुगली उस जगह में है, गुगली मैं प्यार में हुआ, गुगली उसकी बातों में, गुगली अब क्या करे, गुगली उसकी नजरों में, दिल मेरा भी दिल।
रुको रुको रुको, गाड़ी को ऐसे मत घेरो, फोटो वाला कहाँ है, आरती वाला कहाँ है, आ जाओ आ जाओ सामने आओ सामने। रुको यार, मेरा दोस्त फॉरेन से मेरी शादी में आया है। अरे मैंने कहा था ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। हार पहनाओ, आरती उतारो उसकी, फोटो वीडियो क्लियर आना चाहिए, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। दोस्त तू मेरी शादी में आया, जानता नहीं तू मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे भाई शादी मेरी नहीं तेरी है, तेरी भी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा और सब्र रखना। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है चलो, मैं 5 मिनट में फ्रेश हो गया। अरे क्या कर रहे हो, उसे शांति से घर के अंदर तो जाने दो, वहीं पे खड़े रहो सब। तू अंदर आना। ए, ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार, मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है, बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था। हाँ? लेकिन मैंने अपने एंगेजमेंट का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। बट अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाँ? स्वाति क्या कह रही है, फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, एक बार तो सोच कर देख। पहले मेरे होने वाले पति का क्लास लेना है। वो शरद उसका दोस्त बना ही कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख ही लूंगी। आजा दोस्त आजा, मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी भूल जाएगा। ए शरद, तू वहां कहां जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहां नहीं है, तेरी सीट देख यहां पर है, अ स्पेशल सीट फॉर अ स्पेशल पर्सन। हे, यहां बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया है। हाथ जोड़ता हूं यार, चुप बैठ। हाय सर। हाय, कैसा? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। मैं बस थोड़ी देर में। ओके। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया, कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी है। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? ओ, कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। थैंक यू। वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। ओहो, क्या बात है, बाजू में आके बैठ गई। हेलो, यही चेयर खाली थी इसलिए आके बैठी हूँ। 2 साल से मेरा दिल भी तो खाली पड़ा है। सॉरी। डोंट बी। देखो हम लोग मिलने वाले नहीं थे लेकिन अचानक से मिल गए। शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी सुनाई दे रही है, सामने दावत भी है, दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। हाँ? सही है ना? लगता है रूठ कर चली। आप वो ओपनिंग बैट्समैन शरद है ना? ओपनिंग बैट्समैन? हाँ। एक जमाने में बैट्समैन था। हम रोज आपको टीवी पर ही देखते हैं, मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी ना आपको बहुत चाहती है, टीवी को गले लगाती है जब आप उस पर होते हो। मैंने बैटिंग की थी, टीवी में आया था, लेकिन क्रिकेट तो कभी खेला ही नहीं मैंने। हाँ, हम रोज न्यूज चैनल पर देखते रहते हैं, आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आंटी बैट्समैन नहीं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ खिंचवाओ। हाँ। फोटो जी, फोटो। फोटोग्राफर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? यस यस यस। मुस्तफा, एक मिनट, एक फोटो लेकर आता हूँ अभी। हाँ, थैंक यू। ओके, मेरी बेटी के लिए। ये तो मेरी है, इसके साथ क्या कर रही है? आता हूँ आता हूँ। मुस्तफा तुम और यहाँ, हम दोनों की एक साथ फोटो निकालो ना, जल्दी। ओके ओके ओके। अरे कहाँ जा रहे? एक और। अरे सुनिए तो, मैं अभी आता हूँ। एक ही फोटो। क्या मुसीबत है यार, मेरी मेहनत पे पानी फिरना चाहता, छोड़ूंगा नहीं इसे। सर आप बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर इस गरीब के दिल पर आपको लात मारते हुए शर्म नहीं आती?
क्यों मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा क्या किया? अभी आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया वो मेरी बहुत पुरानी एक्स लवर है सर। ओह ऐसा है क्या? बचपन से उसे दूध की कुल्फी खिला खिला कर उस जमाने में मेरा 10,000 का उधारी हो गया सर। उस कर्जे के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। रिकवरी करने के बाद जब मैं वापस अपने लवर के पास आता हूँ तो देखता हूँ वो शादी करके अपने पति के घर में जा चुकी है। फिर क्या, शादी के बाद वही होता है जो हुआ, बच्चा हो गया। उन्हें ना? नहीं मुझे। वो कैसे? नहीं मेरा लवर नहीं मिला ना, इसलिए मैंने बहुत सारा ब्रांच ऑफिस ओपन किया हुआ था सर। उसे प्यार कहते हैं और ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गलत नहीं है सर, इसीलिए तो फिर से मैं अपने लवर को ढूंढते हुए वापस आ गया हूँ। तो फिर जिससे शादी की उसका क्या हुआ? वो जिसके साथ प्यार करती थी वो उसके साथ भाग गई, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लवर का डिवोर्स हुआ है तो मैं वापस आ गया हूँ सर। इसका मतलब बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा वो ठीक है, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिलकर हनी आपस में जिस तरह मिलते हैं उस तरह हम मिलने वाले हैं। अगर आप नींबू के रस की तरह हमारे बीच में आ गए तो दूध फट जाएगा, हनी यूजलेस हो जाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच मिक्स मत होइए। अरे ओ स्वामी, आप कहना चाह रहे हो कि मैं उस आंटी से प्यार करना चाहता हूँ? मुस्तफा, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी रही ना। अरे आपने नाम क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा आओ इधर, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूं। देखो उधर वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी लवर है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, आंटी से नहीं। आंटी को तुम ही रख लो। सर क्या कहा आपने, क्या कह दिया आपने सर? थैंक यू वेरी मच सर, मेरा हार्ट को टच कर दिया सर। अरे मुस्तफा तुम फोटोग्राफर हो ना? यस सर, हमारे गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस हूँ। एक काम करोगे? या मेरी लवर के अच्छे अच्छे फोटोज निकालोगे? अभी से? अकेले रहूंगा तब काम आएंगे। टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा, मैं अच्छे से फोटो निकालूंगा। कल्पू मुस्तफा क्या हुआ बोलो। कल्पी याद है ना जब मैंने तुम्हें दिलवाया था कुल्फी? कुल्फी? मुझे तो वो बहुत सारे लोग दिलवाते हैं, तुम कौन से स्पेशल हो? मुझे तो याद नहीं है। कल्पू तुम्हें कुल्फी दिलाने के लिए ही तो मैं वापस आया हूँ, अगर कोई और तुम्हें कुल्फी दे तो मत खाना, मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने सालों से तुम ही मुझे कुल्फी दे रहे हो क्या? अब तुम मुझे क्या दिलाओगे और क्या खिलवाओगे? खिलाता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बॉस के लवर का फोटो निकाल लूं, फिर तुम्हें कुल्फी खिलाऊंगा। अरे कहाँ गई मुस्तफा? अरे हाँ इधर ही है। ओके ओके, उसे पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा फोटो निकालता हूँ। अरे मिस हो गया, क्या से निकालता हूँ, ये एंगल अच्छा है। अरे फिर मिस हो गया, फोटो खींचिए ना। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छे लग रही हूँ ना? मेरे बाल बड़ा दिखे ना? अरे खींचिए ना, एक तो फोटो खींचिए। पहले सामने से हटो, ऐसी शक्ल लेके कोई फोटो खींचवाता है? चलो हटाओ। मुस्तफा, अरे ये तो गायब ही हो गई। अरे क्या, अरे ये तो इधर है। अब परमिशन लेके फोटो खींचना आसान होगा। बस स्ट्राइक थी, क्या क्या नहीं हो रहा था। सॉरी मैडम, वो कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की, आप एक फोटो निकालने दीजिए। मेरी फोटो? वो आपका लवर फेमस बिजनेसमैन शरद है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लूं। शरद तुम्हारा लवर है? यस 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 यस, व्हाट अ जोक, बस स्टिल योर लकी। यस यस लकी, वेरी लकी। मैडम एक फोटो निकाल लूं ना प्लीज। ओह मैडम, अगर मैंने आपका फोटो उसे नहीं दिया तो वो मेरी लवर लेकर भाग जाएगा, प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बना रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूं। वो तो है, मैंने जहाँ ट्राई किया तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था, सॉरी कह देते हैं। संदीप, अरे संदीप ये यहाँ कहाँ से आ गया? चलो चलो निकलो निकलो। हे हाँ हेलो। हाँ हेलो शरद। हाँ बोलो माँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आए हैं, उसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं, तुझे जो पसंद आएगी उसी से शादी करवाएंगे। माँ मुझे अभी किसी लड़की का फोटो नहीं देखना है। हाँ? स्वाति मुझे फिर मिल गई है। क्या कहा स्वाति? बाकी बातें बाद में, बाय बाय। शरद हेलो। क्या हो गया कौशल्या? शरद था, फोन कट कर दिया। कट कर दिया उसने? हाँ। ऐसी क्या बात हुई? उसे फिर से स्वाति मिल गई है कह रहा था। उसे स्वाति मिल गई? अब आप क्यों दांत दिखा रहे हैं? स्वाति मिल गई उसे? कहाँ मिल गई उसे? कहाँ मिल गई? छह,
तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई? इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए, और तब से मैं सुधर गया। देखो स्वाति, तुम्हें ने कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लूं शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार। बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। और तुमसे प्यार करूं भी क्यों शरद? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। तेरे बिन जीऊं ना जानू कैसे, मुझसे तू दूर क्यों हुई ऐसे। तेरा हूं मैं तेरा दीवाना, रूठे चाहे दुनिया मुझसे रूठे जमाना। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। आंखों के सामने तुम थी लेकिन कुछ मैं नहीं कर सका। घाव जो मैंने दिया था तुमको उसको मैं ना भर सका। कोशिश मैंने किया है हर दम तुझको अपना बना लूं, यकीन तू कर जरा मुझ पे तुझको अपना मानूं। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए।
समझे ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। ए संदीप इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहां गया ये? ए, बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफ कर रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया, स्वाति यहीं पर है, अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। ए, ए, माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना, तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता, तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? एक मिनट रुक, मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है, उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? वो हाँ, 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल बोलना। हाँ माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार, वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़ कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ, द फेमस बिजनेसमैन शरद। उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया है क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा, और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो तो मैं स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई, लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना, तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया, उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं। उससे बहुत प्यार किया मैंने, और बाद में बहुत दर्द भी दिया, और अब देखो वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। थू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी, और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको, नहीं भूलूंगा। ए शरद, वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा। जीना तो ऐसे हुआ मुश्किल, जी करे तुझे कर लूं हासिल, जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे उतोड़ा,
जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यू तोड़ा। शरद एक मिनट भी यहां पर नहीं रुकूंगा। स्वाति इधर आ। मैं बैंगलोर शरद के साथ ही चली जाऊंगी। स्वाति ये क्या कह रही है तू? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं उसी के साथ जाऊंगी। प्लीज। ऑल सेट। चलता हूँ। शरद मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। बोलना। यहाँ से किसी को बैंगलोर तक जाना है, तू उसे ड्रॉप कर सकता है प्लीज? ओके चल मिलता हूँ। उसे जरा संभल कर लेकर जाना। जरा तुम कार को साइड में रोकोगे क्या? तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, जरा गाड़ी रोकोगे? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फॉरेन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद यू नो आई एम रियली सॉरी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था शरद। कुछ कहूं? आज बचना नहीं चाहिए। शरद!
बनने का बहुत शौक है ना, दिखा अपना हीरोइज्म, मार इस हीरो को। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी आपका एक एमआरआई स्कैन बाकी है, प्लीज आइए सर, सभी स्पेशलिस्ट आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, इसकी आंखें खुलने तक मुझे यहीं बैठने दीजिए प्लीज डॉक्टर। वी नो यू आर ओके बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस, बहुत छोटा सा टेस्ट है और फिर बाहर मीडिया वाले और प्रेस वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना, वी आर आंसरेबल टू देम, होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज कोऑपरेट, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज ओके, आई अश्योर यू शी इज ओके, प्लीज स्लोली स्लोली आराम से। शरद जी को कुछ नहीं हुआ है ओके, बस दो तीन जगह छोटे छोटे चोट लगे हैं, उन सब के अलावा ही इज परफेक्टली ऑल राइट, इस वक्त एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है। जय श्रीकांत, व्हाट्स हैपनिंग, लुक एट दिस, व्हाट हैपेंड टू शरद, ओह ओह दैट्स अबाउट शरद, डेंजर, इसके बाद कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी, हमने भी नहीं देखा अभी तक, टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं, अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी इसे क्या हुआ है, इसे कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना वो खुश रहे हो और ना ही हमें खुशी मिली है, अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ, तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है, मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था, उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे, आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी, अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले जाना चाहिए। ऐसा मत बोलो बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी मुझे जाने दीजिए, आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो, मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बेटी रुको रुको बेटी, सुनो तो सर, स्कैनिंग रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नो आई एम फाइन। शरद शरद शरद, ये क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, कैसे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा, आई एम फाइन पापा, आई एम फाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो शरद, उसने एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बस बहुत हुआ, वो जा चुकी है,
कहाँ चली गई? इसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है, अब तू ही बता इसे। शरद पहले तू ठीक हो जा बेटा, मैं बाद में सब बता दूंगी। माँ आई एम फाइन, पहले ये बताइए स्वाति कहाँ है? हमें क्या करना है, वो कहाँ है? तूने मुझसे वादा किया था ना कि जहाँ पर मैं कहूँगी वहीं पर तू शादी करेगा, तो स्वाति का क्या हुआ? ये क्या कर दिया माँ तुमने, सब कुछ ठीक हो गया था, ये क्या कर दिया तुमने? समझाइए ना, कहाँ है स्वाति? मुझे नहीं पता स्वाति कहाँ है। पापा डॉक्टर आपने स्वाति को देखा क्या? सर वो पहले ही चली गई। कहाँ पर? पता नहीं पर रोती हुई गई। आई एम रवि जोशी, प्रेस रिपोर्टर। कल से आप टीवी में हेडलाइन बने हुए हैं सर, नीचे लाइव मीडिया है, आप मीडिया के सामने अपनी बात कहेंगे तो स्वाति जरूर मिल जाएगी। प्लीज आइए सर, प्लीज थोड़ा संभल के चलिएगा सर, आराम से आराम से। ये आप लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं, प्लीज कोऑपरेट। मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज प्लीज। स्वाति तुम जाओ, मेरी बात सुन रही हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है स्वाति, स्वाति भगवान के लिए मेरी बात सुनकर वापस आ जाओ। आई लव यू स्वाति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता स्वाति। देखिए जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा हो वो स्वाति फोटो न्यूज़पेपर दो, न्यूज़पेपर ये लीजिए सर। देखिए ये है स्वाति, भगवान के लिए अगर ये किसी को भी दिखे तो शरद तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा उससे कहना, प्लीज इस बात को भूलना मत। स्वाति स्वाति प्लीज स्वाति, जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी स्वाति। इस फोटो को ध्यान से देखिए प्लीज, ये स्वाति है मेरी स्वाति और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। सर उनका नंबर है क्या सर? 9845865258। सर रिंग हो रहा है। ओवर। हेलो कौन है? स्वाति यहाँ पर कोई स्वाति वाती नहीं है, ये चोरी किया हुआ फोन है, मैंगलोर रेलवे स्टेशन पर मिला है। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर है। लेट्स गो सर। सर हमारी गाड़ियाँ हैं, आइए। चलो जल्दी चलो ना। डोंट वरी सर। और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है सर। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। कूल सर कूल, मेरी बात मानिए, वो आपको जरूर मिलेगी। नहीं आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरी की हुई छोटी सी गलती की वजह से मैं 2 साल सजा भुगत चुका हूँ, अब जाने अनजाने में एक और गलती हो चुकी है, जल्दी उसे नहीं सुधारा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा, फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दो। हटो। एक फोन गुम हो गया था, चोरी किए हुए फोन कहाँ रखे जाते हैं? अरे सर, आप तो शरद है ना? उसी फोन को किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ उठाया। चलिए ऑफिसर से बात करते हैं, चलिए 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 आइए। ए हटिए, रास्ता दीजिए, रास्ता छोड़ो, ऑफिसर यहाँ हो। इनका फोन गायब हुआ है जो शायद आपके पास है। अभी मैंने फोन किया था, आपने रिसीव किया था? हाँ सर मैंने ही रिसीव किया था। तो इसे चुराने वाला आदमी कहाँ है बताइए ना? बताइए ना सर, अभी जो ट्रेन गई उसी में एक लड़की से चुराया। सर कुछ मिनट पहले ही वो गाड़ी निकली है, अगर आप जल्दी करेंगे तो अगले स्टेशन पे उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। चलो। प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं। करो ट्रेन छूटने वाली है। you
लिया। टिकट, मोबाइल सब चोरी हो गया। अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो? शरद, स्वाति मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। स्वाति आई लव यू का जवाब नहीं दोगे? हाँ अभी मूड नहीं है, शादी होने के बाद कहूंगा।